हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूँ लक्ष्मी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज है रामनवमी और मैं आज क्या क्या करूँगी वो सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पूजा की तैयारी की और पूजा शुरू किया और मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ किया। फिर मैंने मंत्र जाप भी किया और अपने के बाद मैंने तो तुलसी के पौधे में और मैं पूजा की। फिर मैंने कुछ फूल तोड़े, मेरे पौधे में कनेर के फूल लगे हुए थे तो मैंने कुछ फूल तोड़े और उसे भी मैंने भगवान को अर्पित कर दिया। इसके बाद मैं प्रसाद बनाने लगी। सबसे पहले मैंने चने को छौंका, उसको चढ़ा दिया मैंने बनने के लिए। अब मेरा चना बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं कोहड़े को काट लेती हूँ। इसे सीताफल भी कहते हैं, कई जगह इसे पेठा भी बोलते हैं। तो इसकी सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी। फिर मैं इस सब्ज़ी को भी मैंने तड़का देकर बना लिया। मेरी सब्जी बन गई है। अब मैं हलवा बना रही हूँ। हलवा मैंने आटे का बनाया क्योंकि माता को भोग आटे के हलवे का लगता है। फिर मैंने कुछ पूड़ियाँ बनाई। अब मेरी पूड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब मैं गुलगुला बना लेती हूँ। ये आटे, चीनी और दूध का घोल है जिसको मैंने पहले से ही फेंट कर रखा हुआ था और अब मैं इसका गुलगुला बना लेती हूँ। अब मेरा गुलगुला भी बन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं माता को भोग लगाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे घर में ऐसे ही माता को भोग लगाया जाता है। 9 देवी के लिए 9 जगह लगाया जाता है तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने जो भी प्रसाद बनाया है सब कुछ मैंने थाली में रख दिया है। सब कुछ रखने के बाद मैंने पान का बीड़ा भी चढ़ाया है। पान में मैंने इलायची रखकर उसे मोड़ा है और फिर उसके ऊपर एक लौंग लगाया है। भगवान के प्रसाद में पान ऐसे ही चढ़ाया जाता है। और फिर मैंने कुछ दक्षिणा रख दिया है और अब मैं इसे माता को अर्पित कर रही हूँ। अब मेरी पूजा हो चुकी है और मैं प्रसाद को खा रही हूँ। मैं प्रसाद खा रही हूँ। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।